अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2D। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 सेवन्थ एडिशन, जूनियर एडिशन आया उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें भी हमने वैसे ही करना है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ग्राफिकल मेथड को यूज करके हमने कि जो हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस, इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके टोटल हैं 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो मैं इसके आपको 3 पार्ट्स करवाऊंगी, ए बी एंड डी, सी पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है ए पार्ट है जी इसका, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और इसका पार्ट ए है जी हमारे पास, एक्स प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। और सेकंड है जी 4x+y-18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। एक इक्वेशन को मैं इधर लिख लेती हूँ, एक्स प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 4x+y-18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमारे पास पिछली जो इक्वेशन थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैं आपको क्या बता रही थी कि हमने इस साइड पे एक ऐसा नंबर बनाना है कि जो अगर हम एक्स की वैल्यूज डाल रहे हैं तो वाई का कोफिशियंट क्या है, 4, तो 4 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 12 को बोथ साइड पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 12 को, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0-12 एक्स प्लस 4y+12। तो एक्स प्लस 4y 0+12 क्या होता है, 12 ही होता है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x+y=0+18। 4x+y=0+18 क्या होता है, 18 ही होता है। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले इस इक्वेशन को। तो इसमें हम पहले कर लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं। देखिए, अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 डालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ पे 0 होगा, तो यानी कि 4y=12 और 4 के टेबल में 12 आता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 4y=12, 0+4y=12, यानी कि 4y=12 बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर दें, 4 और 4 कैंसिल आउट, y=4, 3 और 12, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3। ठीक है जी, ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और इस पर हम क्या कर लेते हैं, आगे इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब लेंगे जी हम x की कोई और वैल्यू लेते हैं। अगर हम लें अब x की वैल्यू 1 लें हम, ठीक है, x की वैल्यू जब 1 लेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1, फिर 1 को जब हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो 12-1 क्या हो जाएगा, 11, और 11 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे 1 नहीं ले सकते। फिर अगर 2 लें तो 2 यहाँ पे लेंगे तो 12-2 क्या होता है, 10, वो भी नहीं आता 4 के टेबल में। अगर 3 लें तो 12-3 क्या होता है, 9, वो भी नहीं आता 4 के टेबल में। फिर अगर 4 लें तो यहाँ पे जब आएगा तो 12-4 क्या होता है, 8, और 4 के टेबल में 8 आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास क्या इक्वेशन है कि x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, तो x की जगह 4 लिख दें, 4+4y इज इक्वल्स टू 12, बोथ साइड से 4 को माइनस कर दें तो 4y इज इक्वल्स टू 12-4, 4y इज इक्वल्स टू 12-4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड करें, 4 और 4 कैंसिल आउट, 4 2 8, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2, यानी कि जब x 4 होगा तो y क्या आएगा हमारे पास, 2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखें, जब अगर यहाँ पे आप 4 डाल दिए, 5 अगर यहाँ पे पुट करें, तो बहुत सारे जब हम 5 को माइनस करेंगे तो 12 माइनस
फाइव हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, ठीक है। और सेवन तो फोर के टेबल में आता नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे सिक्स डालें तो जब यहाँ पे हम लेके आएंगे, ट्वेल्व माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स, सिक्स भी नहीं आता फोर के टेबल में। फिर अगर हम सेवन डालें तो सेवन को जब इधर हम माइनस करेंगे, ट्वेल्व माइनस सेवन क्या होता है, फाइव, वो भी नहीं आता फोर के टेबल में। फिर जैसे जब यहाँ पे हम डालेंगे एट, तो ट्वेल्व माइनस एट क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर, और फोर फोर के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू एट, हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, हमारे पास हो जाएगा एट प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, बोथ साइड पे एट से माइनस कर दें, फोर वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस एट, फोर वाई इज इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस एट फोर, बोथ साइड पे फोर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू वन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, मैं ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ना कि आपने यहाँ पे एक वो वाला नंबर बनाना है कि जो वाई का कोफिशियंट, मतलब कि ऐसा नंबर बनाना है कि जो वाई का कोफिशियंट है ना उसके टेबल में वो आता हो। लेकिन अगर आप वैसे भी कोई नंबर डालेंगे, ग्राफ बन जाएगा लेकिन वो पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये होता है कि पॉइंट्स में करने में बच्चे थोड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे वो नंबर बना लिया करें कि जो फोर के मल्टीपल्स में हो। अगर यहाँ पे फोर है तो फोर के मल्टीपल्स में, या यहाँ पे अगर कोई और नंबर हो तो आपने उसके मल्टीपल्स यहाँ पे बनाना है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें हम यहाँ पे, मतलब कि हमारे पास ऑड होता है नंबर और यहाँ पे जो होता है वो इवन होता है, ठीक है, फिर हम कुछ भी कर लें तो कई दफ़ा होता है वो उसका मल्टीपल नहीं बनता, फिर हमें पॉइंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास जब हमने पहले सॉल्व किया था, तो ये है जी हमारे पास, जब एक्स ज़ीरो था तो वाई थ्री है, एक्स ज़ीरो वाई थ्री, फिर जब x था हमारे पास फोर वाई टू, फिर x एट वाई वन, ठीक है जी। ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन सॉल्व। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम x की वैल्यूज को डालते जाएंगे और हमारे पास क्या होगा, y की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे जब x, वैसे तो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी वैल्यू डालें, x की वैल्यू आप डालें यहाँ पे ज़ीरो डालें तो y 18 आ जाएगा, लेकिन y 18 फिर इतना बड़ा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। फिर y को अगर 1 डालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 14, वो भी इतना बड़ा कि 14 तक चला जाएगा। फिर अगर 2 डालें तो 4 2 ज़ा 8, चलो 10 तक फिर भी सही है, ग्राफ पे आ तो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा फिर जब हो जाए ना 18 तक, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू टू, हमारे पास इक्वेशन क्या है, फोर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, फोर इंटू टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, फोर टू ज़ा 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, बोथ साइड से 8 को माइनस करें या 8 को इस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 18 में से 8 के 10, ठीक है। y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास, रिमेनिंग टू वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू, कोई और वैल्यू ले लेते हैं x की, 3 ले लें तो भी हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 18 माइनस 12 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि y का कोई कोफिशेंट तो नहीं है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 18, हमारे पास इक्वेशन है तो 4 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 18, तो 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, y इज इक्वल्स टू 6, ये 12 इधर आके माइनस हो गया, या फिर
क्या लिंक 12 को बोथ साइड से माइनस कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 18 माइनस 12 क्या होता है हमारे पास 6, यानी कि y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 जब x 3 था। अब कोई और वैल्यू डाल देते हैं, x की वैल्यू 4 भी डालें तो भी हो जाएगा, 4 4 16, तो जब माइनस करेंगे बोथ साइड से 16 को तो 18 माइनस 16 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन है जी 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 18, 4 इंटू 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 18, 16 प्लस y इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 16, y इज इक्वल्स टू 2, y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे बना लेते हैं हम टेबल, ये आ गया x, ये y। पहले जब हमने डाली x की वैल्यू 2 डाली थी तो हमारे पास क्या आया था, y का आंसर हमारे पास 10 आया था, ठीक है। हम टेबल में लिख देते हैं कि जब हमने x को 2 पुट किया था तो y का आंसर 10 आया था। सेकंड वैल्यू हमारे पास आई थी x 3 था तो y क्या आया था 6। फिर x 4 था तो y क्या आया 2, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास, ये बन गया टेबल। अब हम लेते हैं ग्राफ पेपर और ग्राफ पेपर पे हम ये प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी ग्राफ पेपर, इसको ले लेते हैं और इस पे हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं जो हमारा ग्राफ है उसको, ठीक है जी। तो इसमें हमने करना क्या है कि उसी तरह जितना पहले करते थे ना, x और y एक्सिस हमने बनाने हैं, ठीक है, और उस पर हम ग्राफ जो है वो बना लेंगे। तो इसके लिए मार्कर ले लेते हैं और स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना x एक्सिस और इस साइड पे हम बना लेंगे y एक्सिस, और वैल्यूज हमारे पास हैं जी x की वैल्यूज यहाँ से हम देख लेते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ तक हैं। x की वैल्यू जा रही है जी हमारे पास 8 तक और y की वैल्यू जा रही है 10 तक, इसका हमने ख्याल रखना है। और नेगेटिव वैल्यू कोई है नहीं, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो नेगेटिव हमारे पास पोर्शन है उसको थोड़ा कम रखते हैं और जो पॉजिटिव है उसको ज़्यादा रख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, ये और यहाँ से आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी। इसको साइड पे कर देते हैं, ये हमारे पास 0 है। और स्मॉल बॉक्सेस को ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 और पॉजिटिव साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब y एक्सिस पे आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y है, ठीक है जी। यहाँ पे ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इस पर अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है जी कि जब हमारे पास है, यहाँ पे देखें, जब हमारे पास है x 0 है तो y के हमारे पास 3 है, ठीक है। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो हम कर रहे हैं, ये वाली x प्लस 4 y इज इक्वल टू 12।
तो जब हमारे पास x 0 है तो y क्या है, इसमें हमारे पास 3 है, तो x 0 y 3 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, x 4 है y 2 है, x 4 y 2 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास है कि x 8 है और y क्या है हमारे पास 1 है, x 8 y 1, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। अब हम लेते हैं स्केल और इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केयरफुली, बहुत केयरफुली आपने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए। और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको ऊपर इक्वेशन को भी लिख देते हैं, वो है जी हमारे पास x प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसकी सेकंड इक्वेशन जो है उसको कर लेते हैं प्लॉट। उसमें क्या है जी, जब x 2 है y 10 है, x 2 y 10 यानी कि ये जाके आ रहा है पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, x 3 है y 6 है, x 3 y 6 ये वाला पॉइंट। फिर क्या है जी हमारे पास, x 4 है y 2, x 4 y 2 यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया, दो पॉइंट एक ही जगह पे आ गए। इसको केयरफुली ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ पे आके एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है जी एक्स जो है हमारे पास 4 है और वाई क्या है हमारे पास 2 है। और ये इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, जिसकी हमने लाइन ड्रॉ की है, 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 18। ठीक है जी, ये दोनों आके यहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई है और ये पॉइंट है हमारे पास 4 2। ठीक है जी, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया इसका, कि x हमारे पास 4 है और y क्या है हमारे पास 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन अपना। सोल्यूशन है जी x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब करते हैं जी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो कि इसका है हमारे पास बी पार्ट। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, उस पर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट तो वो है जी हमारे पास बी पार्ट है, अब वो है जी हमारे पास के 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे पहले क्वेश्चन किया था, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें जी हमारे पास है 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कर देते हैं, कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखें y का कोई भी कोफिशियंट नहीं है, ना यहाँ पे है तो ना यहाँ पे है। अब इसमें हम x की कोई भी वैल्यू डालें, हमारे पास y का इजीली आंसर आ जाएगा, ना पॉइंट्स में आएगा ना कुछ भी आएगा। ठीक है, तो हम इसमें ले लेते हैं y की वैल्यू, एक नेगेटिव साइड से ले लेते हैं, एक पॉजिटिव साइड से ले लेते हैं और एक जीरो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 टू जा 6, माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू 2, बोथ साइड पे 6 को ऐड कर दें तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 यानी कि y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, जब x माइनस 2 है तो y क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया, सही है। अब x की वैल्यू डाल लेते हैं हम, 0 डाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन
एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास आ जाएगा जी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, यानी कि 3 इंटू जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो y का आंसर क्या आ गया, जीरो तो यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, या लिख देते हैं 0 प्लस वाई इज इक्वल टू टू, यानी कि y क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर हम क्या कर लेते हैं, इससे आगे कर लेते हैं। अब x की कोई और वैल्यू लेते हैं, माइनस 2 ली थी तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा वेन एक्स इज इक्वल टू टू, तो कोई भी ले लें वैल्यू, मैंने तो वैसे ही बस ले ली एक माइनस टू जीरो और टू ले ली, आप कुछ भी कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स की जगह टू लिख दें, 3 इंटू टू प्लस वाई इज इक्वल टू टू, 3 टू जो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू टू, बोथ साइड से 6 को माइनस करें तो y इज इक्वल टू टू माइनस 6, यानी कि y का आंसर क्या आ गया हमारे पास माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास इसके आंसर क्या आए हैं, एक y की वैल्यू 8 आ गई, एक y की वैल्यू 2 आ गई, और एक y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है, ठीक है। अब x की वैल्यू जब हमने डाली थी माइनस 2, तो y की क्या आई थी 8, x की जगह लिख देते हैं माइनस 2 y 8, फिर x को हमने 0 डाला तो y क्या आया 2, तो यहाँ पे लिख दें 2। फिर जब हमने डाली x की वैल्यू 2, तो हमारे पास y की क्या आई माइनस 4, x 2 y माइनस 4। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब क्या कर लेते हैं, इसकी सेकेंड इक्वेशन आपको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी यही वैल्यूज डाल देते हैं, क्योंकि इसमें भी y का कोई कोफिशेंट तो है नहीं। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 इंटू माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बोथ साइड पे 4 को ऐड करेंगे, 4 को इधर लेके आए माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू, क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं होता, बोथ साइड से माइनस 1 से माइनस मल्टीप्लाई करें तो वाई इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, वाई की वैल्यू आ गई माइनस 7। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास इक्वेशन है जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बोथ साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, वाई का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 3। जब एक्स हमारे पास 0 है तो वाई का आंसर क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। अब हम जी आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, अब 2 ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, हमारे पास इक्वेशन है जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह 2 लिख दें, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2 टू जो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बोथ साइड से 4 को माइनस करें, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। अब वेरिएबल के साथ कभी माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, बोथ साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वाई का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। इसका भी हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, कि एक्स की जब हमने डाली थी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब माइनस 2 डाली थी तो वाई की क्या आई थी माइनस 7, तो एक्स की जगह लिख दें माइनस 2 माइनस 7, वाई की जगह, और एक्स की जब 0 डाली थी तो वाई माइनस 3, तो एक्स की जगह 0 लिखें, वाई की जगह लिखें माइनस 3। फिर जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट किया था तो y की क्या आई थी हमारे पास 1, तो इसको लिख दें x की जगह 2 और y की जगह 1, ठीक है। अब हम क्या लिख कर लेते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ पेपर,
ठीक है, इस ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास ग्राफ है जिसको हमने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं और मार्कर ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया स्केल। और इस पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी क्या वैल्यूज हैं। एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और वाई की एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 8 है, और नेगेटिव साइड पे -7 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास है ये, इसको कर लेते हैं जी एक्स एक्सिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया जी एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस। ये आ गया हमारे पास y एक्सेस। इस पे अब हम कर लेते हैं जो x एक्सेस है ना, इस पे जो ये बड़ा बॉक्स है ना, इसको 1 के इक्वल ले, 1 यूनिट के इक्वल ले लेते हैं। तो 1, 2, 3 -1, -2, -3, तो ये हमारे पास क्या है x एक्सेस है। यहाँ पे जो एक हमारे पास जो स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पे बना लेते हैं 1, 2, 3, 5, ये आ गया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -2, 3, 4, 5, यहाँ पे देख ही करना पड़ता है -7, -8, और यहाँ पे भी कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 9, this one is 10। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 10। तो अब अपना ग्राफ जो है हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है उसमें क्या है हमारे पास, जब x माइनस टू है तो y के हमारे पास 8, x माइनस टू y 8, ये वाला पॉइंट आता है। फिर हमारे पास क्या है जी, जब x 0 है तो y के हमारे पास 2, x 0, ये 0 है ना हमारे पास, x 0 है जब तो y के हमारे पास 2, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर हमारे पास क्या है, थर्ड वन है जी कि x 2 है y माइनस 4 है, x 2 y किधर है जी, ये -4, ये वाला पॉइंट आता है। तो आप स्केल लेके हम क्या कर लेते हैं, अपना ग्राफ जो है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आपने केयरफुली इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन क्या है जी हमारे पास कि 3x + y = 2 है, 3x + y = 2। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड है इक्वेशन उसको हम कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, x माइनस टू है और y क्या है हमारे पास -7, x माइनस टू y -7, x 2 है जी और y के हमारे पास -7, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। सेकंड क्या है जी हमारे पास, x 0 है और y के हमारे पास -3, x 0 y -3, फिर x 2 है और y के हमारे पास 1, x 2 y 1 है, ये आ रहा है जी यहाँ पे। ठीक है जी, अब इनको भी हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ठीक है जी, ये आ गया,
ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। और ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है जी यहाँ से देख लेते हैं, इक्वेशन है जी हमारे पास 2x-y=3। ठीक है, ये पॉइंट आया और यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई हमारे पास -1 है और एक्स क्या है हमारे पास 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 1 आ रहा है और वाई पे क्या आ रहा है -1। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि सॉल्यूशन क्या आया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आ गया जी हमारे पास के एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई हैं। ये हो गया जी कंप्लीट इसका बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे और मैं आपको करवाऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है डी पार्ट। तो अब हम करते हैं डी, तो उसके लिए ले लेते हैं हम नेक्स्ट शीट को, रख देते हैं नीचे और ये आगे नेक्स्ट शीट हमारे पास, इस पे हम स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हमारे पास डी पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। उसको भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने जो है ना कोफिशंट को देखते हैं कि वो हमारे पास इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो लिखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं डी पार्ट है जी हमारे पास, वो है 2x+5 = 0 और एक हमारे पास इक्वेशन है -x+5y+1=0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन है जी 2x+4y+5=0 और दूसरी इक्वेशन है -x+5y+1=0। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो 2x+4y=0-5 क्या हो जाएगा -5 और -x+5y=0-1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू में कुछ पुट करूँ, देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4y = -5, फिर ये पॉइंट्स में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 4 का मल्टीपल भी नहीं बनता। और यहाँ पे अगर मैं 1 डालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 2 -5। ये देखें हमारे पास क्या बन रहे हैं, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ना, अगर होल नंबर में से कुछ भी डाल रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, ऑड नंबर ही बन रहा है। देखिए 1 डाल लूँ तो -5 -2 हमारे पास क्या हो जाएगा -7, 3 डालूँ तो 3 2 6, -5 -6 क्या हो जाएगा -11। ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर ही बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें 0.5 डालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 क्या होता है 1/2 होता है ना, 1/2 में अगर यहाँ पे डालूँ तो 2 × 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू -0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 2 × -0.5+4y = -5, 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 0 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि -1.0+4y = -5, यहाँ पे हो जाएगा -1 -1.0 1 ही होता है, तो -1+4y = -5, बोथ साइड पे 1 को ऐड कर दें तो आपके हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, और 4y = -5+1 यानी कि 4y = -5+1 क्या हो जाएगा हमारे पास -4, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी 4 और 4 कैंसिल आउट, 4 1 4, y = -1। एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें किया क्या है कि मैं जब भी इधर होल नंबर में कुछ भी डाल रही थी ना तो मेरे पास क्या आ रहा था आंसर, यहाँ पे जो था ना पॉइंट्स में आ रहा था। अगर देखें फिर हमारे पास अगर ग्राफ में आ जाए पॉइंट, देखिए 7 5 आ जाए पॉइंट, 3 8 5 आ जाए, तो उसको फिर प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से
मैंने फिर क्या किया, एक्स की वैल्यू को पॉइंट में ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास देखें आप अगर 0.5 है तो उसको हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक जो यूनिट होती है उसका हाफ आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू को ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, देखें अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को अगर 2 में पुट करूँ, देखें -2 पुट कर दूँ, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे -2 भी कर दें आप तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और साथ में -4 आ जाएगा, -5, और इधर जब आएगा तो +4, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करें 4 से तो 1/4 फिर पॉइंट्स में आंसर, तो वो मुश्किल हो जाएगा प्लॉट करना, इस वजह से हम क्या करेंगे 2 के बाद क्या आता है 2.5 को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू -2.5, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है जी के 2x+4y इज इक्वल्स टू -5, तो 2 × -2.5+4y इज इक्वल्स टू -5, 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी, 2 × 2 = 4 1 5, तो ये क्या आ गया -5.0+4y इज इक्वल्स टू -5, तो -5.05 ही होता है, तो -5+4y इज इक्वल्स टू -5, बोथ साइड पे 5 को ऐड कर दें, 4y इज इक्वल्स टू -5+5, 4y इज इक्वल्स टू 0, तो बोथ साइड पे 4 से डिवाइड करें तो 0/4 भी क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है, तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब x की वैल्यू कुछ और पुट कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू, देखें अब इसके बीच में अगर मैं 3 को पुट करूं तो 3 × 2 = 6, -5, और यहां से जब इधर आएगा तो -6, फिर -11 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा 4 से, तो इस वजह से आप क्या कर लेते हैं हम इसमें कोई और वैल्यू को पुट करते हैं, 4 को पुट करें, 4 × 2 = क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो -5 और -8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8, 9, 10, 13 भी नहीं आता 4 के टेबल में। 4.5 को ट्राई कर लेते हैं, 4.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, -4.5 लेते हैं तो -9 आ जाएगा, बोथ साइड पे जब ऐड कर देंगे 9 तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 इजीली आ जाता है, तो हम ले लेते हैं x की वैल्यू -4.5, तो हमारे पास इक्वेशन है जी 2x+4y इज इक्वल्स टू -5, एक्स की जगह लिखते हैं -4.5, तो 2 × -4.5+4y इज इक्वल्स टू -5, 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी, 4 × 2 = 8 1 9.0, +4y इज इक्वल्स टू -5, -9.0 -9 ही होता है, -9+4y इज इक्वल टू -5, 4y इज इक्वल टू -5+9, 4y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं दूसरी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, इस इक्वेशन के हमारे पास 2x+4y इज इक्वल टू -5, और इसका टेबल बना लेते हैं, ये आगे भी हमारे पास x वाली वैल्यू, ये y वाली वैल्यू, जब x की वैल्यू थी जी हमारे पास x की वैल्यू थी -0.5, तो y की क्या आई थी 1 -1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू -0.5 और y की क्या आई थी -1। सेकेंड क्या वैल्यू है जी हमारे पास, जब x की डाली हमने -2.5 तो y की क्या आई 0, -2.5 और 0। थर्ड हमने क्या डाला, x की वैल्यू -4.5 और y की क्या आई 1, -4.5 और y की आ गई 1, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, इस इक्वेशन का टेबल बन गया। अब सेकेंड जो इक्वेशन है हमारी उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन है जी हमारे पास -x+5y इज इक्वल्स टू -1, इसमें भी हम डाल देते हैं मतलब कि x की वैल्यू उसको डालते हैं तो y की हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है।
अब यहाँ पे आप x को 1 डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1। बोथ साइड पे जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यानी कि ये हमारे पास 0/5 0 ही होते हैं, यानी कि इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन है जी माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x की जगह लिखते हैं 1, तो माइनस 1 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। बोथ साइड पे 1 को ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 1, या इस 1 को इस साइड पे लेके आए तो प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 0, 5y इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0/5 क्या होता है, 0, यानी कि y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब हम इसमें कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं y की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 -1, +2 -1 आ जाएगा। फिर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/5, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते। फिर अगर हम 2 लें यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह 2 लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -2, यहाँ पे आके +2, सॉरी 2 तो पहले भी ले लिया था, 3, -3 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +3, तो -1 +3 2 हो जाएगा। फिर इस तरह अगर 3 लें तो हमारे पास 3 ले चुके हैं, 4 लें तो -4 है, और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +4 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम x -4 लें तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी के -x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, और x की जगह लिख दें माइनस इंटू -4 प्लस 5y इज इक्वल टू -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 5y इज इक्वल टू -1। 4 को यहाँ से ख़त्म करना है तो बोथ साइड पे क्या कर दें, -4 कर दें, हमारे पास हो जाएगा कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इस साइड से, और हमारे पास आ जाएगा जी के फाइव वाई इज इक्वल टू, या इस साइड पे ले जाएं 4 को, तो -1 और -4 यानी कि 5y इज इक्वल टू -5। बोथ साइड पे 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कैंसिल आउट 1, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है जी। अब थर्ड वैल्यू हमने ढूंढनी है, तो अगर यहाँ पे हम लिख दें, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 6 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, +6, तो 6 में से 1 गए 5, तो भी हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 6, हमारे पास इक्वेशन है जी -x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, तो 6 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -6 प्लस 5y इज इक्वल टू -1। ये आ गया हमारे पास, इसको इधर से लेके जाएं तो 5y इज इक्वल टू -1 प्लस 6, 5y इज इक्वल टू 6 -1 5, बोथ साइड पे 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 5, ये 5 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 1। तो थर्ड वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1 की, y की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास x माइनस -x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, इसका हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो जब हमारे पास x की वैल्यू थी 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 0। तो x की जगह लिखें 1, y 0। फिर जब x की वैल्यू हमने डाली -4, तो y की क्या आई, -1। वैसे इधर पहले मुझे -4 की लिखनी चाहिए थी वैल्यू, ठीक है, माइनस, फिर पहले नेगेटिव वैल्यूज आती हैं फिर पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर देते हैं, पहले -4 जब डाली थी तो y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, -1, ठीक है। फिर जब डाली x की वैल्यू 1, अब पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं, पहले नेगेटिव वैल्यूज फिर पॉजिटिव साइड पे, जब x की वैल्यू 1 डाली तो y की क्या आई, 0। फिर डाली थी मैंने x की वैल्यू 6, तो y की क्या आई, 1। अब ले लेते हैं जी हम अपना ग्राफ पेपर, और उस पे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं।
ये आ गया जी हमारे पास ग्राफ पेपर अपना, इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने जो वैल्यूज हैं उनको। ठीक है जी, ग्राफ पेपर को हम ऐसे ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है इस तरह बनेगा नहीं ग्राफ, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे जा रही है, देखें एक्स एक्सिस जो है ना उस पे मेरे पास वैल्यू जा रही है लेफ्ट साइड पे -0.-4.5 तक, और राइट साइड पे जा रही हैं 6 तक। ठीक है, यानी कि पूरे पूरे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अब अपने स्केल ले लेते हैं और मार्कर ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया स्केल हमारे पास और ये आ गया मार्कर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं जी, थोड़ा इस साइड पे कर लेते हैं क्योंकि ये भी देखना है कैमरा में नज़र भी आए, ये ना नज़र ही ना आ रहा और मैं बनाई जाऊँ। तो यहाँ पे ठीक है जी, तो ये बना लेते हैं हम अपना एक्स एक्सेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये हो गया एक्स एक्सेस, और अब हम कर लेते हैं अपना वाई एक्सेस जो है उसको भी कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है जी यहाँ पे जा रहा है 6 तक, यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्सेस होने चाहिए, यहाँ पे 4.5 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस हो गए ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सही है, ये हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे बना लेते हैं हम अपना वाई एक्सिस को अब। ठीक है, वाई एक्सिस आ गया ये हमारे पास। ठीक है जी, तो ये वाई एक्सिस हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे इसको आगे थोड़ा कर देते हैं 7 तक, ये आ गया जी एक्स एक्सिस, और अब इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है क्या जी, एक्स की वैल्यूज जो हमारे पास राइट साइड है उस पर तो कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, इधर ही पॉइंट वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इनको कर लेते हैं जी, ये हमारे पास आ गया 0.5, ये 1, ये 1.5, ये आ गया 2, ये 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 and last one is 7। ठीक है जी, और इस साइड पे आप कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास -0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5, -1.5, -2, -2.5, 3, -3.5, 4, -4.5, और यहाँ पे आ जाएगा जी 5। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आ गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब y की वैल्यूज जो हैं उनको हम देख लेते हैं कितनी हैं जी हमारे पास। y की वैल्यू तो हमारे पास 1, 0, -1 ही है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट्स वाली तो नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ये 0 है हमारे पास, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट जो ग्राफ है उसको पहले कर लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू -0.5 है तो वाई की वैल्यू क्या है, -1। -0.5 पे क्या है, -1, यानी कि 0.5 -1। सेकंड क्या है जी, जब एक्स की वैल्यू है -2.5 तो वाई की क्या है, 0। -2.5 पे वाई की क्या वैल्यू है, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट है। फिर क्या है जी हमारे पास, जब x की वैल्यू है -4.5 तो y की वैल्यू क्या है, 1। -4.5 है और y की वैल्यू क्या है, 1।
वन है, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, अपना ग्राफ जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन जो है ना उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई जी हमारे पास एक लाइन। और ये कौन सी है जी, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है जी। अब सेकंड जो है उस लाइन उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड लाइन क्या है जी हमारे पास, जब x की वैल्यू माइनस 4 है तो y की क्या है, माइनस 1। x की वैल्यू, जब x की वैल्यू माइनस 4 है तो y की क्या है हमारे पास, माइनस 1। x माइनस 4, y माइनस 1, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। फिर जब x की वैल्यू है जी हमारे पास 1 तो y की क्या है, 0। x की वैल्यू 1, y की 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारे पास एक। फिर जी जब x की वैल्यू 6 है तो y की क्या है, 1। x की वैल्यू 6 और y की 1, ये आ गया जी हमारे पास पॉइंट। तो अब इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये है हमारे पास, एक ये है, और एक ये है, ठीक है जी। अब मैं ज़रा देखती हूँ कि ये कैमरा में नज़र भी आ रहा है कि नहीं। तो एक ये पॉइंट है जी हमारे पास, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ये हैं जी। और देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास, ठीक है जी। तो ड्रॉ कर लेते हैं अब हम। ये आगे जी हमारे पास, और ये लाइन क्या है, माइनस एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 1। और इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्मॉल बॉक्स अगर देखें तो ये हमारे पास है जी 0.5 है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस 1.5 और वाई एक्सिस पे माइनस 0.5 है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास, मैंने तो यहाँ पे नहीं लिखे लेकिन आप भी यहाँ पे लिख लें, 0.5 आ जाएगा, ये 1.5 2.5, यहाँ पे जी माइनस 1.5 माइनस 2.5, ठीक है जी। तो ये आ गया y एक्सिस पे माइनस 0.5 और x एक्सिस पे आ गया माइनस 1.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि माइनस 1.5 और x और y एक्सिस पे आया जी 0.5, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन क्या आया हमारे पास। सॉल्यूशन आ गया जी कि 1.5 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1.5 और वाई की वैल्यू आ गई जी माइनस 0.5, ठीक है जी। अगर आपको समझ नहीं लग रहा तो मैं यहाँ पे डॉटेड भी करके आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये आ रहा है 1.5 और यहाँ से देखें ये आ रहा है 0.5, ठीक है। तो y एक्सिस पे माइनस 0.5 और x एक्सिस पे माइनस 1.5, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2D का। इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, ए बी एंड डी पार्ट, और सी पार्ट आप इसका खुद करें, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज के बारे में पता चल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको भी बोलिएगा वो सब्सक्राइब कर दें। और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।